बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे जलेबी। तो पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे 2.25 कप पानी। चाशनी को हम हल्की आंच पर तैयार कर लेंगे। अब हमारी चाशनी तैयार है। जलेबियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे जर्दे का रंग। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे हम इस तरह के शपर में डाल देंगे। इसके ऊपर हम धागे से बांध लेंगे। हमने इसे थैलियों में डालकर धागे से बंद कर लिया है। पैन को हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम डालेंगे घी। थैली को हम इस तरफ से थोड़ा सा काट देंगे। अब हम जलेबियों को तैयार कर लेंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम जलेबियों को निकाल कर शीरे में डालेंगे। इसे हम तकरीबन 30 या 40 सेकंड के लिए हम शीरे में रखेंगे और अब हम इसे शीरे से निकाल लेंगे। हमारी जलेबी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पाकिस्तानी क्रंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।